ही सब्सक्राइब कीजिए फेस टुडे न्यूज। जब मेरठ का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उल्लेख आता था, यानी हम 2014 या 2015-16 इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी तो केंद्र में हो गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले की मैं चर्चा कर रहा हूं। मेरठ जो इतना उपजाऊ है, पढ़ने लिखने वाला कहीं देखना हो तो मेरठ में मिलेगा, कहीं क्रांतिकारी स्वभाव का कोई व्यक्ति देखना हो तो मेरठ में मिलेगा। किसान जो खेतों में अन्न उपजाता है, अपने परिश्रम का पौरुष दिखाने वाला कोई मिलेगा तो मेरठ में मिलेगा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले, अगर आप 8 साल पहले का कल्पना करो, 7 साल पहले की कल्पना करो, मैं तो एक ताजुब था। मुझे एक वहां पर मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक महिला आई, वो संपन्न परिवार की थी और उनके स्कूल चलते हैं लखनऊ में उनके भाई के, और वो बालियान गोत्र की थी। वहां पे वो अब रहती थी मुजफ्फरनगर के घसी में। दंगे में 2 बच्चे मारे गए थे, उन्हीं के घर के पास के लोग थे, और वो भैया दूज के दिन आई थी, मुझे मानती थी भाई की तरह, और आने के बाद वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा, बेंजी रो क्यों रही हो? बोले, मैं अपने गांव से आ रही हूं। तो कौन सी बड़ी बात, अपने गांव से आ रही हो? बोली, नहीं, मैं 7 साल बाद अपने गांव गई थी और देखकर ताजुब हुआ मुझे, जो घर हम छोड़कर चले आए थे दंगे के बाद, लग रहा था कब घर फूट जाएगा, लग रहा था कब बेटियों को कोई उनके साथ अत्याचार कर देगा। थाने पे जाते थे, थानेदार गाली देके भगा देता था। कहते कहते रोने लगी और बोली कि वो जमाना था कि हम लोग अपनी बड़ी बड़ी जमीनें थी, जमीनें छोड़ छोड़ कर भागे, और इसलिए कि कोई सुनने वाला नहीं, सरकार के पास जाओ तो जो अपराधी जलाने वाले हैं वही अपराधी वाले थाने के पास में बैठे हुए दिखाई पड़ते थे। मैंने कहा, बहन जी, अब तो 7 साल पुरानी बात हो गई और रो आ जा रही हो आप। बोले, इसीलिए तो रो रही हूं कि आज अपने जब गांव पहुंची तो देखा वही खुशहाली दिखाई पड़ी। जहां अंधेरा दिखाई पड़ रहा था वहां पर बिजली के खंभे दिखाई पड़े, और घरों में जिनके वहां लकड़ी के चूल्हे दिखाई पड़े थे वहां पर गैस का चूल्हा दिखता दिखाई पड़ा। जहां पर महिलाओं के लिए शौचालय नहीं था वहां पर शौचालय देखा मैंने। मैं सही घटना बता रहा हूँ आपको, नाम भी बता रहा हूँ। फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे तमाम जानकारी आपको मिलती रहे।